नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के मोर्चरी में भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। उधर युवक की मौत की खबर सुनकर परिजन भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच गए, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के मुताबिक रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुनहरा गांव निवासी 26 वर्षीय कुणाल उर्फ बाबू की भगवानपुर थाना क्षेत्र के प्रेमराजपुर गांव में पुराने विवाद को लेकर कहासुनी हो गई। मामला इतना बड़ा कि एक पक्ष ने तमंचा निकालकर उसे गोली मार दी। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजन युवक को घायल अवस्था में रुड़की के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने के साथ ही पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया और मामले की जांच में जुट गई। रुड़की से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। और बाबू नाम के युवक की प्रेमराजपुर गांव है, थाना भगवानपुर क्षेत्र में, उसमें दो पक्षों का झगड़ा हुआ, जिसमें उसकी जो है गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे यहाँ पे हॉस्पिटल विनय विशाल लाया गया, यहाँ पे उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। पुराना झगड़ा चल रहा है इसमें, अभी तक जानकारी पे आया है कि कल भी इसमें एक पक्ष में झगड़ा हुआ था, उनके विरुद्ध जो है अभियोग लिखा गया है मेहर थाने में, और आज उनका जो है झगड़े की पुनरावृत्ति प्राप्त है। इसके साथ और भी कुछ था, अभी तक जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हुई है। घटनास्थल पर जाकर पूरी जो है तहकीकात कर इस पर पूरी आगे आपको जानकारी दी जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।